अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। किला परीक्षित करके कूटी से जय किसान इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा देने के बाद कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। बता दें अज्ञात युवक परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी करीबन 10-12 लोग उस पर फायरिंग करने लगे। मौका मिलते ही युवक कॉलेज परिसर में जा घुसा और उसने अपनी जान बचाई। अज्ञात युवक का नाम अरुण बताया जा रहा है। अरुण ने बताया कि वह परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी कॉलेज के पास कुछ लोग नकाब पहने खड़े थे और उसे देख पहले बलकटी से उस पर वार कर उसे घायल कर दिया और फिर फायरिंग करने लगे। फायरिंग करते ही परीक्षार्थियों में भगदड़ मच गई। मौका पाते ही अरुण कॉलेज परिसर में घुस गया। बाहर खड़े बदमाशों ने बाद में भी 7-8 राउंड फायरिंग की और बाहर खड़ी अरुण की मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। घटना के वक्त कॉलेज के बाहर खड़े होमगार्ड के पास हथियार के नाम पे सिर्फ एक डंडा था, जिसके कारण वह भी डरकर परिसर के अंदर जा छुपे। बाद में कॉलेज के प्रधानाचार्य इंद्रेश अधाना ने प्रशासन से पुलिस की मांग की। घटना स्थल पर पहुंचे SO कैलाश चंद और पुलिस की टीम ने बताया कि कॉलेज में CCTV कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फुटबॉल TV।